उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज एक निजी अस्पताल द्वारा कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही इससे बचने के उपाय व इलाज के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। जिस किसी के परिवार में अगर यह बीमारी हो जाए तो वह परिवार में दिमागी व पैसे से कमजोर हो जाता है। अस्पताल से आए डॉक्टरों ने इसका मुख्य कारण तंबाकू व पान मसाला बताया। हापुड़ में आए कैंसर के अवेयरनेस के लिए, तो क्या आप कहना चाहेंगी जनता से कैंसर से किस तरीके से बचा जाए और इसके लक्षण क्या है जिनको वो पहचान कर अपना सही से ट्रीटमेंट ले सके। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल में कुछ फैक्टर्स करने, सही टाइम पे नियमित आहार लेना, बैलेंस डाइट लेना, पानी का खूब सेवन करना, इसके अलावा जैसे हैविंग एन एक्टिव फिजिकल लाइफ, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, नियमित व्यायाम होने चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पान तंबाकू गुटखे से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से, बीड़ी सिगरेट से दूर रहना चाहिए, इवन शराब वगैरह भी कैंसर के लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा कुछ कैंसर होते हैं जो जल्दी स्टेजेस में जिनको डिटेक्ट करा जा सकता है बाय स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे 40 साल से बड़ी महिला को कहा जाता है कि साल में एक बार मैमोग्राफी कराएं, मतलब ब्रेस्ट का एक एक्सरे कराएं, जिसमें कैंसर की गांठ को जल्दी पकड़ा जा सकता है। सिमिलरली बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर को एक सिंपल सा टेस्ट होता है पैप स्मियर, जिसे हम जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह भी लोगों को नियमित रूप से कराने चाहिए। लेडीज़ को अपने ब्रेस्ट वगैरह की खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए ताकि कोई नई गांठ डेवलप हो रही है तो वो उसको पहले पहचान पाए। इसके अलावा आज की डेट में सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है और हमारे देश में बहुत मात्रा में महिलाएं इससे ग्रस्त होती है, आज की डेट में उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर हम यही जानकारी आगे फैलाएं और लोगों को बताएं कि घर की बेटियों को सही टाइम पे अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाए तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। मैडम जी, ये तो आम जनता को खुद ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, पर उन फिल्म स्टार्स वगैरह को मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि बहुत सारी एड्स हैं और अगर वो फेमस है वो लोग देश के लिए, देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल्स हैं। आज वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, उसको पूरा हमारा देश फॉलो करता है। तो अगर वो एक ऐड कम करेंगे, पान तंबाकू वगैरह की एड्स को अगर छोड़ देंगे, तो वो समाज के लिए सबसे बड़ी, देश के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। थैंक यू मैम। मैम बताया ना कि हमारे पास एक मैक्स इंडिया फाउंडेशन है जो मैक्स का ही एक सिस्टर कंसर्न है, NGO है, जिसमें काफ़ी लोगों को इलाज उनकी तरफ से निःशुल्क दिया जाता है।